हे गाइस वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आज हम आपके लेकर आ हैं मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं फिर वो चाहे अंग्रेजी बोलते वक्त हो या इंग्लिश किसी कंपटीशन एग्जाम्स में हो हर स्टूडेंट्स ये ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा आप भी अंग्रेजी बोलते वक्त एक ग्रामर मिस्टेक नहीं करना चाहते या इंग्लिश किसी कम्पिटिशन एग्जाम्स में आप भी यह ग्रामर मिस्टेक नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए चलिए शुरू मिस्टेक नंबर फर्स्ट इज मेरिट के साथ पेपोजिशन विथ का यूज़ करना मेरिट के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज़ करना मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है मैरिट के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज़ नहीं किया जाता जैसे उसकी शादी राहुल के साथ हुआ है इसे आप इंग्लिश में कहते हो शी इज़ मैरिड विथ राहुल शी इज़ मैरिड विथ राहुल विच इज़ इनकरेक्ट करेक्ट होता है शी इज मैरिड टू राहुल शी इज मैरिड टू राहुल मैरिड विथ नहीं होता मैरिड टू होता है बिकॉज मैरिट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन विथ का यूज नहीं करते इसलिए मेरिड विथ गलत होता है मैरिड टू सही तरह शी इज मैरिड रिट विथ एन इंजीनियर शी इज मैरिड रिट विथ एन इंजीनियर ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है करेक्ट होगा शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर बिकॉज मैरिड विथ गलत होता है मैरिड टू सही होता है बिकॉज मेरिट के साथ पेरपोजीशन विथ पेर पेर का यूज नहीं करते मेरिट के साथ पेरपोजिशन टू का यूज़ करते हैं ये बात हमेशा याद रहा इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक नंबर सेकंड है एवरी के साथ प्लुरल नाउंस और प्लुरल वर्ब्स का यूज़ करना एवरी के साथ प्लुरल नाउंस और प्लुरल वर्ब्स का यूज़ करना भी मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है जैसे एवरी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास टूडे एवरी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास टूडे ये सेंटेंस इन करेक्ट है बिकॉज एवरी के साथ पुलर नाउन स्टूडेंट्स और पुलर वर्ब आर का यूज किया गया है करेक्ट होगा एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास टूडे एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास टूडे ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज एवरी के साथ सिंगुलर नाउन स्टूडेंट और सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ किया गया है बिकॉज इंग्लिश ग्रामर का रूल है एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता, जाता है हमेशा याद रखना कि एवरी के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और एग्जाम्पल देखिए एवरी गर्ल्स ब्राइ डांसिंग येस्टरडे एवरी गर्ल्स बल डांसिंग येस्टरडे यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है बिकॉज एवरी के साथ यहाँ पर प्लूर डाउन गर्ल्स एंड प्लूलर वर्ब वर्ड का यूज़ किया गया है करेक्ट होगा एवरी गर्ल वॉल डांसिंग येस्टरडे एवरी गर्ल वॉज डांसिंग येस्टरडे बिकॉज एवरी के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं मिस्टेक नंबर थर्ड है किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ कर देना वन ऑफ द के बाद सिंगलर नाउन का यूज़ कर देना भी मोस्ट कॉमन इंग्लिस वर्ड मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम में या अंग्रेजी बोलते वक्त कर देते हैं जैसे वन ऑफ द बॉय इज प्लेंग फुटबॉल वन ऑफ द बॉय इज प्लेंग फुटबॉल ये सेंटेंस इनकरेक्ट है बिकॉज इस सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद सिंगुलर नाउन बॉय का यूज़ किया गया है करेक्ट होगा वन ऑफ द बॉय इज इज़ प्लेइंग फुटबॉल वन ऑफ द बॉयज इज़ प्लेंग फुटबॉल ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज इस सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद प्लोरेन नउन बॉयज का यूज़ किया गया है बिकॉज इंग्लिस ग्रामर का रूल है कि किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लोरे नाउन का यूज़ करते हैं ये इंग्लिस ग्रामर का रूल है इसे हमेशा याद रखना इंग्लिस ग्रामर मिस्टेक नंबर फोर्थ है किसी भी सेंटेंस में अल्दो और वर्ड का यूज़ एक साथ कर देना सेंटेंस में अल्दो और वर्ड का यूज़ एक साथ कर देना भी इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जिसे हर स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम और अंग्रेजी बोलते वक्त कर देते हैं जैसे स्कूल इन करेक्ट है करेक्ट होगा अल्दो इट वे नबीन बेटू द स्कूल इट वॉज रेनिंग स्टडे नवीन टू द स्कूल ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि, कि जो सेंटेंस अल्दो से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस अल्दो से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस में वर्ड का यूज़ नहीं करते इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इसे आप सभी को याद रखना चाहिए जो सेंटेंस अर्दो से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस में बट का यूज नहीं करते इंग्लिश का हमारा मिस्टेक नंबर फिफ्थ है, है यूनिक के साथ मोस्ट का यूज़ कर देना यूनिक के पहले मोस्ट का यूज कर देना भी मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट्स कर देते हैं जैसे दिस इज द मोस्ट यूनिक पेन फॉर मी दिस इज द मोस्ट यूनिक पेन फॉर मी यह सेंटेंस इनकरेक्ट है बिकॉज इस सेंटेंस में यूनिक के पहले मोस्ट का यूज कर दिया गया है करेक्ट होगा दिस इज द यूनिक पेन फॉर मी दिस इज द यूनिक पेन फॉर मी ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज यूनिक के पहले हम मोस्ट का यूज़ नहीं करते यूनिक के पहले मोस्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता बिकॉज यूनिक खुद एक ही ऐसे इंग्लिश वर्ड है जो हमेशा सुपल की डिग्री में होता है यूनिक खुद हमेशा सुपल की डिग्री में होता है इसके पहले मोस्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता इंग्लिश वर्ड्स आइडियल एक्सट्रीम एंटायर परफेक्ट के साथ भी मोस्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता आइडियल परफेक्ट एंटायर एक्सट्रीम के पहले भी मोस्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता बिकॉज ये इंग्लिश वर्ड्स भी हमेशा सुपरट डिग्री में होता है इनके पहले मोस्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता जैसे ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट बॉय फॉर योर डॉटर हीज़ द मोस्ट परफेक्ट बॉय फॉर योर डॉटर यह सेंटेंस इनकरेक्ट है करेक्ट होगा हीज़ द परफेक्ट बॉय फॉर योर डॉटर हीज़ द परफेक्ट बॉय फॉर योर डॉटर बिकॉज परफेक्ट के साथ भी हम मोस्ट का यूज़ नहीं करते बिकॉज परफेक्ट भी हमेशा सुपल ट्यू डिग्री में होता है ठीक है ये बात हमेशा याद रहा अगला मिस्टेक है पीपल एंड पुलिस के साथ सिंगलो रब का यूज़ कर देना पीपल एंड पुलिस के साथ सिंगलो रब का यूज़ कर देना भी मोस्ट कॉमन इंग्लिस ग्राउंड मिस्टेक है जैसे द पुलिस बहुत से रनिंग का थी द पुलिस वॉज रनिंग आफ ट द थीप यह सेंटेंस इनकरेक्ट है करेक्ट होगा द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीप द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीप ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज पीपल एंड पुलिस ये ऐसे नाम से है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं पीपल एंड पुलिस देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ हमेशा सा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं इसलिए सही होगा द पुलिस वेर रनिंग आफ्टर एग्जाम्पल देखिए पीपल इज गोइंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर पीपल इज गोइंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है बिकॉज यहां पर पीपल के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज कर दिया गया इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है करेक्ट होगा पीपल आर गोइंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर पीपल आर गोइंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर अगला मिस्टेक है किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर देना किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर देना भी मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है जैसे ही डिड नॉट कॉट द बॉल ही डिड नॉट कॉट द बॉल ये सेंटेंस इनकरेक्ट है करेक्ट होगा ही डिड नॉट कैच द बॉल ही डिड नॉट कैच द बॉल बिकॉज इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है कि पास्ट टेंस में हमेशा वर्ड के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं लेकिन जब पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिन टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डेढ़ नॉट के बाद वर्ल्ड के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इसलिए कॉट यहाँ पर गलत है कॉर्ट क्योंकि कैच का सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर कॉर्ट गलत है इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे कैच इसलिए सही होगा ही डिट नॉट कैच द बॉल ही डिड नॉट कैच द बॉ बिकॉज इंग्लिश ग्रामर में डेढ़ नॉट के बाद हमेशा वर्ल्ड के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं ठीक है ये बात हमेशा याद रखा ग्रामर मिस्टेक है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम कई बार अपना इंट्रो देते समय भी ग्राउंड मिस्टेक कर देते हैं जैसे सेल्फ आई एम नवीन कुमार माई सेल्फ आई एम नवीन कुमार अगर मेरा नाम नवीन कुमार है तो मैं कहूंगा माई सेल्फ आई एम नवीन कुमार तो ये गलत हो जाएगा करेक्ट होगा आई एम नवीन कुमार माइ सेल्फ का यूज नहीं करेंगे बिकॉज माई सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है इंग्लिश ग्रामर का ही रूल होता है कि प्रोनाउन एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एक साथ उपयोग नहीं करते इसलिए सेल्फ नहीं आएगा सिंपली कहेंगे वॉट इज द टाइम इन योर वॉच वॉट इज द टाइम इन योर वॉच विच इज इन करेक्ट करेक्ट होता है वॉट इज द टाइम योर वॉच व्हाट इज द टाइम योर वॉच व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच ये इन करेक्ट करेक्ट होता है व्हाट इज द टाइम योर वॉच तो आज से सही तरह टाइम पूछना okay?